हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। भले वो प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना खरीदने से तो अच्छा है ना कि कुछ कर जाना बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक का नाम आपके सामने आ चुका है दोस्तों, श्री सीमेंट। बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा जो है स्पीड आने वाला है। अगर आपने, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, भाई एक खरीद लो, एक खरीद लो, एक खरीद लो, बार बार बोल रहा हूँ भाई एक तो खरीद लो। ज़्यादा अगर पैसा नहीं है थोड़ा तो खरीद सकते हो ना, क्योंकि इसमें देखो अगर वन क्वांटिटी भी आप खरीदोगे ना तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। सोच लो पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आपको दबा के खरीदना है, चाहे जो भी हो। अभी मान लेते हैं कि अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जितना बड़ा स्टॉक रहेगा उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। 50 रुपीज़ वाले स्टॉक कितना भाग सकते हैं दोस्तों, 2 या 3 रुपीज़ मूवमेंट हो सकता है, लेकिन 1000 रुपीज़ वाले स्टॉक कितना भाग सकते हैं, 50 या 100 पॉइंट वो ऊपर जा सकता है। तो उसी तरह 1000 में जो है वो 1000 भाग सकते हैं, ठीक है। और रिटर्न की बात करें तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों, 1 ईयर में 57% दिया। इसीलिए बोल रहा हूं अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो केवल एक क्वांटिटी खरीद लोगे तो बहुत है, उतना तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे देगा, ठीक है। 57% यहां पर देख सकते हैं, 1 मंथ में 3%, मतलब कि दोस्तों स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म किए जा रहा है, मतलब देखिए कॉन्स्टेंटली जो है धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है दोस्तों, अप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर डिक्रीज होता तो अलग बात है, लेकिन इसका अगर ट्रेंड भी देख लेते हैं तो वो हाई ट्रेंड में जा रहा है, और इसके लिए एक बहुत अच्छा न्यूज है दोस्तों, ये निफ्टी 50 में शामिल होने वाला है। तो ये न्यूज जो है इस स्टॉक को और रॉकेट बना देगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सीधी आपको जाना है और खरीद लेना है, चाहे एक खरीदो, दो खरीदो, आने वाले दिनों में अगर आप एक भी खरीदो तो बहुत अच्छा है, ज्यादा खरीदना जरूरत नहीं है, और आज और कल के लिए नहीं है, ठीक है। आज और कल के लिए नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 5 ईयर का कैंडल चार्ट में आपके सामने दिखाता हूँ। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे था, यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 के अराउंड था, 10,000 के आसपास था, ठीक है, आज से 5 साल पहले। लेकिन आज के डेट में ये जो अब आपको जो करेंट मार्केट प्राइस 23,000, आप सोच सकते हो पैसा डबल से भी ज्यादा कर गया। सोच लो जितना लंबा आप रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं है कि फिर अगले महीने में आप पूछोगे भाई इसका जो प्राइस है तो थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा ये जो है डाउन जा रहा है थोड़ा सा यहां पर, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि डाउन जा रहा है, क्योंकि यहां पर देख लीजिए ये थोड़ा नीचे भी आता है, लेकिन उसके बाद जब बाउंस बैक आता है तो वो लेवल को तोड़ देता है जो लेवल को ये छोड़ के आया था। हर एक लेवल में यहां देखिए जब भी ये डाउन फॉल मारता है उसके बाद वो लेवल को तोड़ ही देता है जो लेवल को ये डाउन करके आया था, और ये अभी जो जा रहा है हाईएस्ट में जा रहा। तो यहां देख सकते हैं 5 ईयर का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, ये 10,000 के आसपास जो है ट्रेड किया करता था, लेकिन आज आपके सामने यहां पर देख सकते हो 23 या 24,000 के आसपास ट्रेड किया कर रहा है, और 250 पॉइंट की गिरावट भी है, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक में जम के खरीदना जिससे आने वाले दिनों में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो क्या करना है समझ गए ना, आज और कल के लिए नहीं खरीदना, इन्वेस्टमेंट करो, केवल एक स्टॉक ही खरीद लो, तो आप समझ लो 10,000 अगर आपने खरीदा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा अच्छा स्टॉक खरीदा करो, क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदो, क्वांटिटी वाले मत खरीदो, जैसे वोडाफोन, आइडिया, यस बैंक, DHFL, ये सब आपको डुबा देंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी जितना खरीदोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे आने वाले अगले वीडियो में, क्योंकि आपको मार्केट ओपन होने से पहले बताया जा रहा है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला, ठीक है। अगर आपको पेड सर्विस लेना है तो आप कॉमेंट कर सकते हो दोस्तों, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इवनिंग में नंबर्स भी दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।